इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आज के कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता श्री आयुष नवल किशोर जी खंडेलवाल, इनका अपने पिता श्री नवल किशोर जी खंडेलवाल तथा माता सौभाग्यवती प्रीति जी खंडेलवाल के साथ आगमन हो चुका है। हमारे संस्था के डायरेक्टर ग्रेसफुल मीना जी झांबड़ मैडम भी हमारे साथ उपस्थित है। हमारी विद्यालयीन संस्कृति के अनुसार हमारे विद्यालय की अध्यापिकाएं दामिनी मैडम और पूजा मैडम मान्यवरों को तिलक लगाकर उनका स्वागत कर रही है। श्री नवल किशोर जी खंडेलवाल नांदुरा शहर के प्रतिष्ठित बिजनेसमैन तथा प्रतिष्ठित नागरिक है और सौभाग्यवती प्रीति जी खंडेलवाल समाज कार्य में सदैव अग्रेसर रहती है। आप दोनों का हमारी संस्था को हमेशा सहयोग मिला है और भविष्य में भी आपसे सहयोग मिलेगा ऐसी अपेक्षा रखती हूँ। सभी मान्यवरों से मैं विनम्र अनुरोध करना चाहूंगी कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, जहां जाते हैं चार चांद लगाते हैं। उस मंच की शोभा के क्या कहने, उस मंच की शोभा के क्या कहने, जहां आप जैसे उपस्थित मार्गदर्शक पालकगण तथा विद्यार्थी आते हैं। नमस्कार टू ऑल प्रेजेंट हियर, आई मिसेस शुभांगी आगरकर प्री विलेज टू एक्सटेंड माई वार्म वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ श्री वर्धमान जैन Educational Multipurpose and Research Foundation Family for today's webinar। हम एक फूल से यह सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने आप को न्योछावर करके और बिना स्वार्थ के दूसरों की खुशियों को और भी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही एक फूल की तरह हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी झांबड़ सर थे, जिन्होंने हमेशा यही चाहा था कि हमारे नांदुरा शहर के बच्चे किसी क्षेत्र में कम न रहे। जो विद्यार्थी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाकर ज्ञान प्राप्त करने की सारी सुविधा सहित विद्या ग्रहण करता है, वह सारी सुविधाएं हमारे नांदुरा शहर के विद्यार्थियों को मिले और मिल भी रही है, क्योंकि हमारे आदरणीय सर का सपना साकार करने के लिए हमारी मार्गदर्शक एंड अवर लवेबल मीना जी प्रेमचंद जी झांबड़ मैडम सदैव सभी अध्यापक और हमारे छात्रों को प्रोत्साहित करती हैं तथा छात्रों के शैक्षणिक विकास के लिए तत्पर रहती है। इसी श्रृंखला में हर महीने की 25 तारीख को हमारी संस्था में अल्मनाई टॉक का आयोजन किया जाता है
आज का यह वेबिनार भी हमारे प्रेरणा स्रोत झांबड़ सर तथा हमारी मोटिवेटर मीना जी मैडम के विचारों की माला का एक मोती मात्र है। हमारे सर और हमारी मैडम जी के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, आपका समर्पण और दृढ़ संकल्प हमें समर्पित निर्धारित करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि नेतृत्व जिम्मेदारी लेना है और उसे निभाना भी। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ऐसे सबसे अच्छे मार्गदर्शक हैं। टुडे वी हैव अवर फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ श्रीमती तुलसीबाई रंगलाल जी झांबड़ विद्या निकेतन मिस्टर आयुष नवल किशोर जी खंडेलवाल विथ अस। आयुष वॉज अ स्टूडेंट ऑफ वन ऑफ द अर्लिएस्ट बैच ऑफ फाउंडेशन क्लासेस। ही वॉज वेरी क्यूरियस इन हिज स्कूल एजुकेशन। ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन टिल 10th फ्रॉम अवर स्कूल एंड गॉट 10 CGPA इन 2015। He was also a visionary student. He went on to prepare for IIT. He secured 4,625 rank among 12 lakh students in JEE Advanced 2017. He got admission to a prestigious Institute of Engineering, IIT. He recently completed his graduation. Ayush also secured 99.95% in CAT 20 and entrance exam for top MBA college in India. He has now received an admission offer letter from one of the best MBA college in the world, that is IIM Ahmedabad. He will be joining IIM Ahmedabad in 2022. He is currently working at Standard Chartered Bank as a software developer. I would like to request our school director, graceful, lovable Meenaji Zambad Madam, to felicitate Mr. Ayush Khandelwal. Thank you, Madam. Thank you, ma'am, for introducing me and inviting me to the school. I'm really very grateful to school administration for felicitating me. And I feel really delightful and proud that school has trusted me of this capable to invite me for a talk on this seminar. आज इसी स्कूल में मुझे इस काबिल बनाया है कि आज मैं यहाँ पे आके टॉक दे पा रहा हूँ। पर इस सेमिनार के शुरू होने से पहले जर्नी माय जर्नी फ्रॉम एसटीआर रेडमेड टू आईआईटी मैं कुछ लोगों को याद करना चाहूंगा और उन्हें थैंक यू बोलना चाहूंगा। सबसे पहले आज जिनकी याद में हम ये सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्रेमचंद झांबड़ सर। आज सर की काफी किस्से मुझे याद आते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस हम कितना मिस कर रहे हैं सर को। एक किस्सा है जिसे मैं रिलेट करना चाहूंगा सर के स्टूडेंट को। मेरे से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप एक गरीब फैमिली के फैमिली को एक दिन खाना खिलाना चाहेंगे या उस गरीब फैमिली के बच्चों को एजुकेशन देना चाहेंगे और क्यों। तो मैंने उस इंटरव्यूअर को जवाब दिया कि मैं उस फैमिली के बच्चों को एजुकेशन देना चाहूंगा, क्योंकि एजुकेशन जब हम किसी को देते हैं तो हम ये एंश्योर करते हैं कि वो आदमी इतना कैपेबल बन रहा है कि वो अपने जनरेशन को, अपनी फैमिली को हर रोज सालों तक के खाना खिला पाएगा। तो यही शायद इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन झांबड़ सर के विजन में थी। और आज झांबड़ सर ने इस सोसाइटी को जो कंट्रीब्यूशन एजुकेशन, इतना क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करके दिया है वो काफी ज्यादा है। आज हमें छोटे से गांव में इतना क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल कराया विद सीबीएसई की सो मेनी फैसिलिटीज, हाईटेक एजुकेशन प्रोजेक्टर्स एंड ऑल द स्पोर्ट फैसिलिटीज विद फाउंडेशन क्लासेस। तो ये सब काफी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं हमारे फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में, जो कि हमें आगे पता चलेगा और आगे रियलाइज होगा। सर के इस विजन के साथ और एक किस्सा मुझे याद आता है सर का, कि जो बताता था कि सर को एक इतनी माइन्यूट तरीके में सर वॉज वेरी कंसर्न अबाउट द स्टूडेंट्स
स्टूडेंट स्टडिंग इन इज स्कूल। तो किस्सा ऐसा था कि हम चार लोग थे, फाउंडेशन की क्लास होती थी, तो फाउंडेशन की क्लास में हम चार लोग ही जैसे थे, तो मैं और मेरा दोस्त गुंजन पीछे खिड़की के पास बैठे। और खिड़की के पास बैठने का हमारा कारण ये था कि खिड़की से हमें डिस्ट्रैक्ट होते थे। तो एक दिन सर आए और सर ने देखा कि बच्चे खिड़की के पास बैठे और वो तो बाहर वगैरह देख रहे हैं। सर को कंसर्न, सर को काफी ज्यादा कंसर्न था हमारे स्टडी। सर ने उस दिन हमें डांटा कि तुम पीछे मत बैठो, तुम आगे बैठो। हमें तो थोड़ा सा एम्बैरेस फील हुआ, बट थोड़े टाइम बाद रियलाइज भी हुआ कि सर को कितनी चिंता थी हर छोटी चीजों में कि उनके बच्चे को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले। आज फाउंडेशन क्लास में हम ढंग से पढ़ पाए, उसी कारण से आगे चल के हम अच्छी एग्जाम्स क्लियर कर पाए और आईआईटी में एडमिशन ले पाए। और एक काफी दिल से जुड़ा एक किस्सा है, 3 जनवरी को जब मेरा मैम का फोन आया था मेरे कैट रिजल्ट के बाद कि 99.9%, तो मैम ने मुझसे कहा कि झांबर सर की हमेशा से इच्छा थी कि उनका एक स्टूडेंट आईआईएम जाए। ये काफी रियलाइज हुआ कि झांबर सर का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है मेरे एजुकेशन में, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम कह सकते हैं। आज झांबर सर यहाँ मौजूद तो नहीं है कि मेरे साथ इस चीज को देखे, बट मैं सर जहाँ कहीं भी उन्हें थैंक यू कहना चाहूंगा कि आज मुझे इस काबिल एजुकेशन दिया कि मैं आईआईएम जा पाया। तो झांबर सर के लिए मैं एक बार चाहूंगा कि हम सब उन्हें याद करें और उनकी याद में उनका तालियों से शुक्रगुजार। सेकेंडली, काफी इक्वल जो कंट्रीब्यूशन दिया है इस स्कूल के लिए मीना मैम का, मैं मीना मैम को भी काफी थैंक यू कहना चाहूंगा। मैं याद करता हूँ जब मैं छोटा था तो मीना मैम स्कूल में राउंड लगाने आती थी हर रोज विदाउट फेल। मैम ने इक्वल डिटर्मिनेशन के साथ, हार्डवर्क के साथ, सीरियसली और काफी इंस्पिरेशन रोल में हर रोज मैम आते थे और स्कूल में राउंड लगाते थे, देखते थे, इंश्योर करते थे कि बच्चे बराबर पढ़ रहे हैं और स्कूल बराबर फंक्शन कर रहा है। इवन एकेडमिक्स में भी मैम हमारे इंटरेस्ट रखते थे, मैम कभी भी हमें मौका मिलता था तो मैम इंटरेक्ट करके ये पूछते थे कि आयुष तुम कैसे पढ़ रहे हो, आयुष तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, आयुष का टीचर्स लोग बराबर पढ़ा रहे हैं, ये सब चीज। और फिर उसके बाद में कभी भी कोई नया टीचर आता था तो मैम एक लीड फिगर बन के उस डेमो क्लास में मैम देखते थे कि क्या ये टीचर बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएगा। तो मैम का एक काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस स्कूल को डेवलपमेंट में और सर के चले जाने के बाद भी। आज जब मैं इस स्कूल लौट के आया तो देखा काफी चेंजेस है और इस चेंज के पीछे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडिंग रोल में मीना मैम। मैं चाहूंगा कि हम एक मीना मैम का भी से शुक्रिया अदा करें। थैंक यू मीना मैम फॉर बीइंग देयर फॉर द स्कूल एंड डेवलपिंग इट। थर्डली, मैं मेरे टीचर्स का थैंक यू कहना चाहूंगा। टीचर्स आर काइंड ऑफ योर सेकंड पेरेंट्स। पेरेंट्स आपको घर पे एजुकेशन देते हैं, एंजॉय करते हैं, आप सही वैल्यू सीखे, ह्यूमन वैल्यू सीखे, बट टीचर एक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपकी स्कूल में ये एंश्योर करते हैं कि यू आर गेटिंग एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन, आपको सही गलत का बताते हैं टीचिंग के थ्रू। और जो एक टीचर आपको सिखाते हैं चीजें वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहते हैं और वो वैल्यूज जो सर मैम लोग हमें देते हैं वो कहीं ना कहीं आगे चल के आपके अचीवमेंट्स और सक्सेस और लाइफ स्टाइल को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मैं मेरे सारे टीचर्स लोग का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने आज मुझे इस काबिल बनाया। तो आगे बढ़ते हैं सेमिनार के लिए। मैं इन तीनों फिगर झांबर सर, मीना मैम और मेरे टीचर्स लोग का थैंक यू कहना चाहूंगा कि टुडे दे हैव मेड मी व्हाट आई एम। तो आगे सेमिनार, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, माय जर्नी फ्रॉम मास्टर्स एडमिन टू आईआईटी। तो इससे पहले मैं मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि मेरी अब तक की लाइफ ट्रैक कैसा रहा। तो मैम जैसे इंट्रोड्यूस कराया मुझे कि 10th तक के मैं यहीं से पढ़ा, 2015 में मैंने 10th में 10th से जीपीए लाए थे। उसके बाद मैं फिर आईआईटी की प्रिपरेशन करने गया, आईआईटी में मेरी 4625 रैंक आई थी जेई एडवांस में। उसके बाद मुझे केमिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था तो मैंने केमिकल इंजीनियरिंग प्रेफर की आईआईटी के जो से करा। उसके बाद फिर कॉलेज जाके काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वहां से मुझे जॉब ऑफर मिला स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक कंपनी, वहां से सॉफ्टवेयर डेवलपर का।
और मैंने वो जॉब सेलेक्ट करा। उसके बाद नवंबर 2020 में मैंने कैट एग्जाम दी, जिसमें मुझे 99.95% आया। और उसके बाद मेरे इंटरव्यूज हुए इंडिया के टॉप MBA कॉलेजेस के लिए, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकटा, और मेरा उन सब में एडमिशन लेटर का एडमिशन ऑफर आई रिसीव फ्रॉम ऑल दोस इंस्टीट्यूट। ये थी मेरी लाइफ का अब तक का ट्रैक। इसके बाद में मैं सेमिनार के बारे में बताता हूँ, बिकॉज आई फील दिस सेमिनार इज अ वेरी प्रॉमिसिंग इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल। क्योंकि होगा क्या, जब आप लोग देखोगे कि आपकी ही स्कूल से पढ़े लिखे भैया वगैरह दीदी एक लाइफ में अपने जो सक्सेस अचीव किया है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जब उन्होंने किया है तो हम भी कर सकते हैं, इट्स पॉसिबल। और आप उनकी ही लाइफ स्टाइल को देख के, उनके हार्डवर्क, उनसे सीख के, उनसे गाइडेंस लेके ये सब चीजें अचीव कर सकते हैं। आपको आप हमें जान पाएंगे, हम आपको जान पाएंगे, और एक नेटवर्किंग होगी। ये नेटवर्किंग काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको फिर पता चलेगा कि कितने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं आप जिससे आगे चल के आप फॉलो कर सकते हैं, और आपके लिए सक्सेस वो फील्ड में, उस फील्ड में अचीव कर सकते हैं। तो ये सेमिनार काफी इम्पोर्टेंट है। मैं चाहूंगा आप सारे ये सेमिनार हर 25th ऑफ मंथ को अटेंड करें, और उससे गाइडेंस, उस जो स्पीकर है उनसे गाइडेंस ले, उनसे सीखे कि उन्होंने लाइफ में कैसे कब क्या चीजें की, और उनके वैल्यू सीखे, उनकी उनसे मोटिवेट होके, इंस्पिरेशन होके अपने लाइफ में भी कुछ बड़ा बड़ी चीज अचीव करें। तो अब सेमिनार के और बढ़ते हैं कि IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये काफी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है। तो लाइक व्हाई यू शुड गो फॉर IIT, लाइक IITs क्यों दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस क्यों नहीं? तो IITs आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एंड इज वन ऑफ द आर वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इन इंडिया। IITs में काफी क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, और जो गवर्नमेंट फंडेड होती है तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती है। तो इफ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, सो यू शुड डेफिनेटली गो मेक योर टारगेट्स एंड गोल टू गो फॉर IITs। IITs का जो एनवायरमेंट रहता है, कंपटीशन रहती है, वो काफी अच्छे लेवल पर होती है। क्योंकि आप वहां जाओगे तो आपको पता चलेगा कि लाइक हर बच्चा टैलेंटेड है, हर बच्चा अपनी फील्ड में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स के साथ आया है। तो जब इतना कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट मिलता है, और जो मुझे मिला, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि हमारे हमें किस चीज में शॉर्ट कमिंग्स है, और हम खुद उस इम्प्रूवमेंट के ट्रैक पे जाते हैं। व्हेन यू आर इन द व्हेन यू हैव सच अ पीयर्स विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज एंड बीइंग सो टैलेंटेड इन एवरी फील्ड, सो यू ट्राई टू मेक देम फ्रेंड्स एंड यू अप्रोच देम विद लर्निंग। तो आप एक लर्निंग का एटीट्यूड लाते हो खुद के अंदर, और इम्प्रूवमेंट करते जाते हो। तो इसलिए अगर इंजीनियरिंग आपको करनी है तो IIT शुड बी योर गोल, एंड आई एम हियर फॉर यू टू गाइड इफ यू हैव इफ यू वांट टू बिकम एन IIT इन समथिंग। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरी जर्नी ऐसे अटेंडेंस से शुरू हुई है। तो एक स्टडी हुई थी कि जापान देश में सुनामी काफी आती है, तो वहां देखा गया था कि कुछ घर जो सुनामी के बाद भी नहीं गिरे थे, और कुछ घर तहस नहस हो गए। तो स्टडी में देखा गया कि जो घर नहीं गिरे उनका काफी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन था। और एक महान पुरुष ने कहा है कि नो ग्रेट बिल्डिंग कैन बी एवर मेड ऑन वीक फाउंडेशन। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, एक ग्रेटनेस अचीव करनी है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। और स्कूल जो है वो एक टूल है जो कि आपका इस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इस फाउंडेशन हम ज्यादा जो फाउंडेशन है वो एक स्कूल से शुरू होता है, एजुकेशन का या किसी भी चीज का, लाइफस्टाइल का, वैल्यूज ऐड करने का हमारे अंदर। तो स्कूल बिकम्स एन इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर यू टू लर्न, मेक योरसेल्फ ग्रो, लर्न अबाउट द वैल्यूज ऑफ अबाउट ह्यूमन इमोशंस एंड एवरीथिंग, एंड गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। तो एशिया जेडवियन की मेरी जर्नी, एशिया जेडवियन मैं जो मैं मानता हूँ कि मेरा ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कैसे बिल्ड हुआ, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। फर्स्ट थिंग है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये काफी मैटर करता है कि आप अपने क्लास में बैठे हो, आप कोई भी क्लास में हो, आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब लाइक क्लास में डिस्कशन हो रहे हैं, क्लास में सर लोग पढ़ा रहे हैं, तो उसे फुल अपना 100% कॉन्सेंट्रेशन पार्टिसिपेशन से सुन। मैं देखता हूँ कि जब मुझे टीचर लोग पढ़ाते थे तो मैं भी क्लास में काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था,
ध्यान से जो सर लोग पढ़ा रहे वो पढ़ता था, सर लोग जो होमवर्क दे रहे वो करता था। और एक चीज मुझे जो याद आती है कि सर लोग कभी क्वेश्चन पूछते थे तो आई फेल्ट लाइक रशिंग टू गिव आंसर, बिकॉज आई फेल्ट लाइक आई वाज पार्टिसिपेटिंग एंड आई वाज क्यूरियस टू आंसर गिव आंसर टू सर एंड मैम क्वेश्चन। तो ये चीज जो है ये कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करती है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं चीजों में, और ये जो आप छोटी छोटी चीजों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आगे भी आपको इसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आप लाइफ में हर चीज में पार्टिसिपेट करें, ट्राई करें। वो फर्क नहीं पड़ता आप सही हो या गलत हो, आप फर्स्ट आ रहे हो नहीं आ रहे, बट यू नीड टू ट्राई एंड यू नीड टू पार्टिसिपेट। ऑनेस्ट बीइंग ऑनेस्ट, मैं मुझे याद नहीं कि मतलब मैं कोई क्लास में लाइक फर्स्ट आया, बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू बिकम, आई थिंक कि फर्स्ट आना क्लास में, आते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं आ रहे हो तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि ये देखना है कि आपने इम्प्रूवमेंट लाया खुद के अंदर और आप आगे बढ़ रहे हो, आप कोई नई चीजें सीख रहे हो। सेकेंड जो चीज है ये मैं मानता हूँ जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने में हेल्प करती है, वो है डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्टी। जब आप अपने टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ ऑनेस्ट रहोगे तो आपने वैल्यूज बिल्ड होगी, क्योंकि एक ऑनेस्टी काफी इम्पोर्टेंट वैल्यू है जो कि में होना चाहिए जब आप, और ये आगे भी काफी हेल्प करती है आपको लाइफ में, जब आगे स्ट्रगल्स आएंगे या कुछ आएंगे, जब आप अपने साथ में ऑनेस्ट रहोगे तो आपको पता है कि आप क्या चीज आपके पोटेंशियल्स को रियलाइज कर पाओगे, आप लोग क्या अचीव कर सकते हो, आपको पता चलेगा कि आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो ऑनेस्टी बिकम्स एन इम्पोर्टेंट। सेकेंड, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्किंग। अ डिसिप्लिन मैन इज नेवर ऑफ द रूटीन एंड ही नोज हाउ टू रिएक्ट प्रॉपरली फॉर एनी सर्कमस्टांसेस। जो एक हार्ड वर्किंग इंसान और डिसिप्लिन इंसान रहता है उसे पता रहता है कि यार लाइफ में कभी भी कुछ स्ट्रगल आए, he knows that with his hard work, with his determination, with his persistence and consistency, he can forward that hard, मतलब वो जो struggle होता है, वो जो एक barrier आता है, उसे cross कर सकता है। तो hard work और discipline इसलिए काफी important है। आप school में hard work और discipline सिर्फ एक normal homework करके, teachers के प्रति respect देके, obedient रहके, जो आपको homework मिल रहा है, वो आप day to day punctuality के साथ complete कर रहे हैं, ये सब एक discipline और hard working की sign है। लाइक आपको मैं कभी मेरा होमवर्क नहीं छोड़ता था, मेरी मम्मी ये इंश्योर करती थी कि आई वाज ऑलवेज, आई कंप्लीटेड माय होमवर्क डे बिफोर एंड आई वाज ऑलवेज एन ऑबिडियंट स्टूडेंट, टीचर जो इंस्ट्रक्शन देते थे मैं फॉलो करो और ये सब चीजें। थर्ड है कि बीइंग क्यूरियस, यू नीड टू बी क्यूरियस एंड अबाउट लर्निंग। एक जो इंसान क्यूरियस होता है उसे एक इच्छा रहती है कि वो लर्न करे काफी सारी चीजों को, और जब आप ये एटीट्यूड अपने अंदर रखते हैं तो आपको पता चलता है कि आप मतलब एक अप्रोच रखते हैं सब चीजों को लर्न करने के लिए, और जो इंसान जितना ज्यादा सीखता है, जितना नॉलेज रखता है, उसे उतना बेनिफिशियल आगे के लिए होता है। एक आपको जितनी ज्यादा नॉलेज रहेगी उतना आपके लाइफ में अच्छा रहेगा, उतनी आपको चीजें पता होगी, उतना आप लोगों से नेटवर्क कर पाओगे, उतना हर फील्ड में जानकारी रखोगे तो आप सक्सेस ला पाओगे। तो एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी मैं मेरे लाइफ में देखता हूँ, जब स्कूल लाइफ में कैसे रहता था तो मुझे यहाँ पे लाइब्रेरी करके पीरियड होता था, तो लाइब्रेरी के पीरियड में मैं जाता था और न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता था, जो बुक्स है जो कि मेरे एकेडमिक से रिलेटेड नहीं है वो बुक्स पढ़ता था। तो मैं कोशिश करता था लाइक ऐसे घर पे भी आके न्यूज वगैरह देखूँ, नॉलेज वगैरह गेन करूँ, बड़े भाई बहनों से कुछ सीखूँ, उनके बारे में जानूँ। तो एक हर चीज के प्रति क्यूरियस हमें रहना चाहिए। Being curious will also help you. अब IITs के लिए जो मेरे को स्कूल ने सबसे इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन जो हुई वो थी फाउंडेशन क्लासेस। फाउंडेशन क्लासेस इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग इनिशिएटिव कंडक्टेड बाय दिस स्कूल। फाउंडेशन एक काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्री एलेवन ट्वेल्थ, प्री कोचिंग जो आपकी एज रहती है एलेवन ट्वेल्थ में उसके पहले, क्योंकि मैं रिलेट करके बताऊंगा मेरे इंसिडेंट से। फाउंडेशन में मुझे वो सब चीजें पहले ही सीखने मिली जो कि बच्चों को एलेवन ट्वेल्थ में सीखना, और मेरे मम्मी पापा ने टीचर्स लोगों ने देखा कि आई एम पोटेंशियल इनफ कि मैं वो हैंडल कर सकता हूँ पढ़ाई, और मेरे अंदर उस चीज का टैलेंट है, तो उन्होंने मुझे फाउंडेशन क्लासेस में एडमिशन दिया। फाउंडेशन क्लासेस में 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में मैंने जो सब सीखा वो मुझे आगे लाइफ में काफी हेल्प करा। लाइक 11th 12th में जब मैं गया तो आई रिमेम्बर कि वहाँ 4000 बच्चे थे, और 4000 बच्चे होते कोचिंग में, और मैं वहाँ था,
वो पेपर दे के आते थे ना, तो बहुत एक लगता था कि भाई 4,000 बच्चों में मैं एक हूँ, और सिर्फ एक कोचिंग का। ऐसे टोटल ऑल ओवर इंडिया 14 लाख स्टूडेंट्स है जो कि इस एग्जाम को देते, और सिर्फ 10,000 बच्चों को एडमिशन मिलता है इन द IITs। तो इट बिकम्स वेरी इट हैज अ वेरी लेस सिलेक्शन परसेंटेज, काफी सिलेक्शन परसेंटेज कम है। तो यू नीड टू हैव समथिंग लॉन्च पैड टाइप, मतलब अगर आप पहले से ही प्रिपेयर हो तो आप उस एलेवन ट्वेल्थ की जर्नी को सर्वाइव कर पाओगे, और उस एलेवन ट्वेल्थ की जर्नी को सर्वाइव कर पाओगे तो आप उसमें सक्सेस ले पाओगे। तो फाउंडेशन ये एक चीज थी मेरे लाइफ में, मेरे स्कूल जर्नी में, कि मुझे पहले से ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो कि सब मुझे आगे काम आने वाला था, यहाँ तक की बायो, वो सब पढ़ने मिला। आई वॉज लिटरली स्टडिंग द कोर्स ऑफ एलेवन एंड ट्वेल्थ। तो जब मैं ये सब यहाँ से पढ़ के गया, और एलेवन ट्वेल्थ में कोचिंग्स में मुझे वो सब स्टडी मटेरियल वगैरह दिया गया, तो मैंने देखा ये तो मुझे आता है, और मुझे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस था कि मैं ये सब चीज अचीव, मैं ये सब चीजें आती है और मैं इसको कंप्लीट कर पाऊंगा, और लाइक आई फेल्ट फैमिलियर विद दोस टॉपिक्स एंड एवरीथिंग। तो फाउंडेशन काफी एक यूजफुल रहेगा अगर आप IIT के लिए प्रिपेयर करना चाहोगे, तो आपको काफी प्री एलेवन प्री कोचिंग के लिए प्रिपेयर करेगा, काफी अच्छा इनिशिएटिव है। और ना कि सिर्फ IITs, अगर आपको नीट वगैरह करनी है तो भी उसके लिए बायो के लिए फाउंडेशन क्लासेस है, जहाँ की आप मतलब पढ़ सकते हैं। अगर मुझसे कहा गया कि एक आउटलायर किताब है, मैं आपको एक सब बताऊंगा आउटलायर किताब, आप सब लोग बिलगेट्स के बारे में जानते हैं, तो बिल गेट्स ने आज इतनी बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट खोली, तो उसके पीछे जैसे उनकी बायोग्राफी में लिखा है कि बिल गेट्स जब अराउंड 6 से 10 में थे, तो इट वाज जस्ट कंप्यूटर्स वेयर कंप्लीटली न्यू मशीन्स टू द वर्ल्ड, इट वाज दोस पब्लिक के सामने पहली बार कंप्यूटर्स लाए गए। तो बिल गेट्स जहाँ पढ़ता था उस कम्युनिटी में एक क्लब बनाया गया था जिसमें कंप्यूटर्स के बारे में बच्चों को पढ़ाते थे। तो अगर वो क्लब नहीं होता तो बिल गेट्स ने कहा था कि नाउ अगर वो क्लब नहीं होता तो आज वो कभी कंप्यूटर के बारे में नहीं सीखते, कंप्यूटर के बारे में नहीं सीखते तो आज आगे चल के माइक्रोसॉफ्ट वो कंपनी नहीं खोलता। वैसे ही सिमिलर फाउंडेशन क्लास मेरे लिए रही है, अगर ये फाउंडेशन क्लास नहीं होती तो मैं इस एजुकेशन को नहीं ले पाता, इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाता और आगे चल के एलेवन ट्वेल्थ में जाता, तो आई वुड हैव फील एलिनेटेड, मतलब मुझे काफी अनफैमिलियर वो चीजें लगती थी और एक कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता था और दूसरे बच्चे मेरे से आगे निकल जाते थे। तो फाउंडेशन ने एक वैसे ही रोल प्ले करा है मेरे लाइफ में। इसके बाद मेरी रूटीन जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहूंगा 9-10 की, मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग भी ऐसे रूटीन रखें तो काफी अच्छा रहेगा। मैं लाइक सुबह 7 बजे 6:30 बजे उठते थे, और ना वगैरह ना के स्कूल आते थे, 8 के अराउंड असेंबली वगैरह होती थी और पीरियड स्टार्ट होते थे। ट्राई करिए आप अपने क्लासेस एकदम सिंसियरली अटेंड कर रहे हैं, टीचर्स की इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, वो जो पढ़ा रहे हैं वो काफी इंटरेस्ट से आप सुन रहे हैं, एक एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लासेस वगैरह होती थी और फिर ट्यूटर की तरफ क्लासेस होती थी, फिर हमारी फाउंडेशन क्लास होती थी, हम 3:30 से लेके तो 6 o'clock तक के फाउंडेशन अटेंड करते थे। लाइक मेरा मैक्सिमम स्कूल में टाइम आप देखोगे तो 8 से लेके तो 6 बजे तक के, इट्स लाइक 10 आवर्स। तो 10 आवर्स आई वॉज एनरोलिंग माई सेल्फ फॉर ओनली स्टडी। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT, आई थिंक यू नीड टू गेट ऑल्सो प्रिपेयर फॉर स्टडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड 10 आवर्स इज अ गुड टाइम। तो कहीं मुझे इस स्कूल के रूटीन ने प्रिपेयर करा कि मैं इतने लंबे टाइम तक पढ़ पाऊँ। एक हार्डवर्क आपको जो है इम्पोर्टेंट है, जैसे मैं कहता हूँ, तो एक आपको हार्डवर्क और उस डिटर्मिनेशन के साथ इतने लंबे देर तक के पढ़ना जरूरी रहेगा। और फिर 5:40 जैसे 6 o'clock तक के फिर फाउंडेशन क्लास खत्म होती थी, फिर मैं घर आता था, नाश्ता वगैरह करता था और जो होमवर्क रहता था वो करता था। तो लाइक अगर आप लाइफ में एकेडमिक्स में सक्सेसफुल होना चाहते हैं ये सब चीजें फाउंडेड फॉर IIT, तो यू नीड टू अडॉप्ट अ वेरी रिगरस लर्निंग रूटीन। आप काफी अच्छे देर करके पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपका जो होमवर्क है तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ाई भी था आपका, और बाकी सब फिर गेम पीरियड्स वगैरह रहते थे, सैटरडे संडे रहता है, तो वो टाइम पे यू शुड डेफिनेटली गो एंड एंजॉय योरसेल्फ एट स्कूल। हम 9-10 में मेरे फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलने जाता था, और फिर मतलब एंजॉय भी करना चाहिए पढ़ाई, बट यू शुड प्रायोरिटाइज स्टडी एंड योर ड्रीम्स फर्स्ट।
और कुछ वैल्यूज जो मैं बताना चाहूंगा इम्पोर्टेंट है, और आई फील कि आज की जनरेशन जो थोड़ा डिफरेंस है छोटे भाई में, उनके लिए कि कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉन्फिडेंट होना लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक मैं किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। IITs में जॉब इंटरव्यू हुए थे, तो जॉब इंटरव्यू होता है ऐसा है कि एक इंटरव्यूअर आपके सामने रहेगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो मेरा एक दोस्त और मैं थे, हम दोनों कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाए गए, बट मेरे दोस्त की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं थी और मेरी थी, तो मुझे वो जॉब मिली। तो ये कम्युनिकेशन जो स्किल है वो मैंने कहाँ से सीखी? आप देखते होंगे काफी सारे स्कूल्स ये कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करता है, ट्रांसलेटर्स कॉम्पिटिशन, फिर स्पीच कॉम्पिटिशन, फिर इवन की जो एंकरिंग करनी रहती है गैदरिंग्स में, असेंबली में, तो वो सब एंकरिंग में आके जब आप सामने आके काफी लोगों के सामने बोलते हो, इवन ये एक सिमिलर सिचुएशन है आज इतने सारे लोगों के सामने बोलना, तो आप जब बोलते हो तो आप एक फैमिलियर हो जाते हो, इतने आपका एक जो स्टेज फियर होता है वो पीछे हो जाता है, लाइक यू आर नॉट अफ्रेड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ पब्लिक और एनीवन। तो ये जो छोटी छोटी चीजों से पार्टिसिपेशन आता है, आप लोग को ये स्कूल में करना चाहिए। लाइक कोई कॉम्पिटिशन होता है तो उसमें डेफिनेटली यू शुड गो एंड पार्टिसिपेट, इफ इट्स ओलंपियाड स्पोर्ट्स का कोई कॉम्पिटिशन है, आपको असेंबली में न्यूज बोलनी है या कुछ जीके क्वेश्चन पूछना है, असेंबली कंडक्ट करानी है, स्पीच कॉम्पिटिशन हो रहा है, या इवन क्लासेस में जो मैम लोग टास्क मैम से लोग टास्क देखे होंगे, उस सब चीज में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि ये सब आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा आगे के लिए। कॉन्फिडेंस आपको हमेशा आपकी लाइफ में लगेगा। आप जब कभी भी एक फेलियर देखोगे अपने लाइफ में, कोई चीज में आपको स्ट्रगल होगा, तो कॉन्फिडेंस ये चीज है जो आपके साथ रहेगी, एंड यू विल नो कि ठीक है आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन डू इट, कि मैंने पहले भी करा है, मैं इतने सारे लोगों के सामने बचपन से बात करता रहो, तो एक आपकी हैबिट बन जाएगी, ऑबिडियंट और डिसिप्लिन रहो, लाइक ये काफी वोलेटाइल एज होती है बिलीव, तो आप एंश्योर करो कि आप एक डिसिप्लिन रूटीन में हो, यू आर इन अ गुड इन्फ्लुएंस ऑफ योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स अच्छे रहे, जो कि हमेशा चाहते हैं आप उनके साथ इम्प्रूव करें, आप अपने गोल्स को अचीव करें, ना कि दूसरे एक्टिविटीज में इंडल्स हो, जो कि इट बी गुड फॉर योर करियर एंड एवरीथिंग। और इसके साथ में ये कि अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तो नथिंग कैन गो रॉन्ग, डिसिप्लिन इंसान हमेशा अपने लाइफ में सक्सेस अचीव करता है, जो डिसिप्लिन में रहता है उन्हें सक्सेस मिलती है। और कोई भी लाइफ की बड़ी चीज हो, इतनी बड़ी हो, जिसके पास डिसिप्लिन है, जिसके पास रूटीन है, उसे पता है कि उसे क्या चीज करनी है, कौन से टाइम पे सही डिसीजन लेना है, कब क्या करना है, तो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि यू आर ऑब्लिएंट एंड डिसिप्लिन। थर्ड चीज है जो कि लाइक मैं कहना चाहूंगा, जो कि मैंने मेरे पर्सपेक्टिव और एक्सपीरियंस से देखा, कि यू शुड फॉलो योर टैलेंट एंड नॉट योर पैशन। पैशन और टैलेंट में डिफरेंस है, मैं बता दूं, पैशन होता ऐसा है कि जरूरी आपको चीजें अच्छे हो, आपको वो चीज करना पसंद हो, इट कैन बी लाइक वॉचिंग मूवीज, मेरा पैशन है वॉचिंग मूवीज, अब मूवीज वॉच करके तो मैं कोई जॉब वगैरह नहीं ले पाऊंगा, बट आई नो कि मेरा जो टैलेंट है वो मैथ्स में साइंस में, तो इसलिए आप जिस चीज में अच्छे हो, इवन इट कैन बी क्रिकेट, इवन इट कैन बी बायो मेडिकल एंड एनीथिंग, आप जिस चीज में अच्छे हो आपको उसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि पैशन वोंट मेक यू श्योर कि आप उस चीज में जॉब ले पाएंगे, आगे चल के कुछ सक्सेस अचीव कर पाएंगे। और टैलेंट ऐसी चीज है, क्योंकि आप उसमें अच्छे रहोगे तो आप किसी भी फील्ड में उस फील्ड में चले जाए, इट विल बी श्योर कि आप उस चीज को अच्छे से कर पाते हो, तो आप उसमें सक्सेस अचीव करोगे। एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पेरेंट्स से कि जो कोविड एरा है, पैंडेमिक एरा, इसमें ऑनलाइन एजुकेशन पूरी डिजिटल हो गई, तो बच्चे काफी ज्यादा स्मार्टफोन्स को यूज करने लगे, और काफी ज्यादा आजकल स्मार्टफोन्स का यूज बढ़ गया है टीनेजर्स में, जो 9, 10 के एज, 11, 12 के एज। स्मार्टफोन इज वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन फॉर योर एजुकेशन, फॉर योर करियर एंड इन अ ह्यूमन लाइफ। स्मार्टफोन से जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना अच्छा। मैं भी मेरे घर से कजिन से हम लोग को देखता हूँ, तो देखता हूँ वो काफी सारे गेम्स वगैरह खेलते हैं, पढ़ाई की जगह गेम्स वगैरह खेलते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, तो कोशिश करिए आप जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें, और स्मार्टफोन्स वगैरह को उनका टाइम लिमिट रखें। सोशल मीडिया इज रियली वेरी हार्मफुल फॉर एनी स्टूडेंट, तो जितना ज्यादा हमारे वक्त ये सब था ही नहीं, हम फॉर्चुनेट थे कि ये सब हमें डिस्ट्रैक्शन था ही नहीं,
ना पबजी था, ना कॉल ऑफ ड्यूटी था, ना फ्री फायर थे, ना इंस्टाग्राम था, ना स्नैपचैट था, ना फेसबुक था। हमारे हमें तो कॉम्प्यूटर्स खोलना पड़ता था ना हमारे स्मार्टफोन से। स्मार्टफोन का अच्छा यूज भी होता है, तो आप कोशिश करिए कि आप स्मार्टफोन का यूज अच्छे मगर अच्छे टाइम के लिए दें और लिमिटेड टाइम के लिए रखें, ना कि उन्हें गेम्स वगैरह खेल रहे थे सोशल मीडिया पे टाइम पास करने में। तो ये सब तो मैं कहना चाहता था। अभी कुछ वैल्यूज और मैं टिप्स आपको देना चाहूंगा जो कि आपको लाइफ में काफी ज्यादा हेल्प करेगी, और मैंने देखा कि उन चीजों ने लाइफ में मुझे भी हेल्प करा है। फर्स्ट है, ये हैबिट्स है और इन चीजों का आपको हैबिट बनाना है। तो हैबिट्स ये सब अगर आप बचपन से ही इस एज से ही हैबिट्स आप अपने अंदर लाने की कोशिश करोगे, पेरेंट्स इंश्योर करेंगे कि आपको स्टूडेंट ये हैबिट डेवलप करे, तो आपको लाइफ में हमेशा काफी हेल्प मिलेगी। और आप जैसा कि मैं कहता हूँ डिसिप्लिन, ऑबीडियंट, क्यूरियस, लर्निंग वगैरह, ये सब में आपके अंदर वैल्यूज आएगी, कॉन्फिडेंस होगा। तो पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव, बी प्रोएक्टिव। एक कोट कहना चाहूंगा कि यू आर नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस बट यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर डिसीजन। इसका मतलब ये है कि आपको जो बैरियर्स आते हैं, आप जो सिचुएशन में फंसते हैं, आप वो आपको डिटरमाइन नहीं करते, वो ये नहीं बताते कि इंसान कैसे किस सिचुएशन में आया था, ये नहीं, बल्कि आप उन सिचुएशन पे क्या डिसीजन लेते हैं ये आपकी लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है। लाइक आपको इस चीज में फंसते, मान लो कोई टेस्ट के कोई सब्जेक्ट है जिसमें आपको अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो ये सिचुएशन आगे चल के ये नहीं बताएगी कि यार ठीक है उसको ये नहीं आता था इसलिए उससे ये चीज नहीं हो, बल्कि आपने उसमें क्या कोशिश की उस सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, आपने हार्डवर्क करा, आपने ट्यूशन लगाई, आपने फिर से सारे वो लेसन पढ़े, आप अपने सर के पास डाउट को पूछने गए। मेरे को हिंदी में डाउट आते थे तो मैं रामायण मैम से कंसल्ट करता था, मैम की ये चीज नहीं आती है, पत्र लिखना वगैरह वो सब। तो ये चीज जो है बीइंग प्रोएक्टिव कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सर्कमस्टांसेस जो देख रहे हैं उसको आप खुद से इम्प्रूव करने की खुद कोशिश कर रहे हैं, ना कि उन सिचुएशन पे ब्लेम कर रहे हैं कि नहीं यार हम तो नांदरा से, हम तो छोटे गांव से, पुणे मुंबई में लोग को वो बड़े गांव मतलब सिटी से उन्हें अच्छा मतलब वो बेटर रहते हो गए, उन्हें इन्वायरमेंट ज्यादा अच्छा मिलता है, हमारे पास मोबाइल नहीं है और वैसी सिचुएशन नहीं है। नहीं, बल्कि आपको ये देखना है कि आप एक छोटे गांव में भी हैं और आपके पास एजुकेशन की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, तो आपको उस चीजों को यूटिलाइज करना है, उस चीज पर बिल्ड करके आपको अपने बैरियर्स क्रॉस करना है। तो बीइंग प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है कि यू आर प्रोडक्ट ऑफ योर डिसीजन, आपको सही डिसीजन लेने हैं एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, रादर देन ब्लेमिंग द सर्कमस्टांसेस, रादर देन ब्लेमिंग द सिचुएशन, यू आर वर्किंग अपॉन योरसेल्फ एंड यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट अपॉन यू ओनली। सेकेंड है कि हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क। हार्डवर्क तो इम्पोर्टेंट है ही बट स्मार्ट वर्क भी इम्पोर्टेंट है। एक किस्सा है कि लाइक एक हार्डवर्क स्मार्ट वर्क का मैंने जो देखा था फोटो कि एक आदमी है उसको लाइक गधा जो उसका रहता है उसको चलाना रहता है, तो वो गधे को डंडे मारता है बट गधे को लाइक खींच के ले जाना पड़ता है, गधे की इच्छा नहीं रहती तो चलने की, तो लाइक हार्डवर्क हो रहा है कि वो हार्डवर्क कर रहा है ऐसे खींच के लेके जा रहा है गधे को, बट फिर उसने स्मार्ट वर्क देखा। स्मार्ट वर्क कैसे यूज करा, उसने एक लकड़ी ली, लकड़ी के सामने कुछ लाइक फंसा लिया जो गला खाता है वो गधे के सामने रख दिया, तो गधे को ऐसा दिख रहा था कि लाइक वो उसके सामने, तो उसको पकड़ने जा रहा था और चलता जा रहा था। तो ये स्मार्ट वर्क में डिफरेंस है, आप कोशिश करिए, हार्ड वर्क आप हमेशा रख रहे हैं बट स्मार्ट वर्क भी अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करें। स्मार्ट वर्क लाइक समथिंग में एग्जाम्पल देता हूँ कि आप स्कूल में कैसे देख सकते हैं, एक टाइम पीरियड रहता है कि मान लो आप 7 से 9 पढ़ते हो, तो स्टार्टिंग में आपने काफी एनर्जी रहती है, तो जब आप ज्यादा एनर्जी में ज्यादा कंसेंट्रेट हो तब आप वो टॉपिक उठाइए जिसमें आप वीक हो। लाइक मैं फिजिक्स में वीक था बट मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग था, तो मैं क्या करता था कि अगर मैं पढ़ने जाता हूँ तो मैं स्टार्टिंग में फिजिक्स पढ़ता था, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं ज्यादा 1-1.5 घंटे बाद जब मैं थोड़ा सा बोर होने लग जाऊंगा तो बोरिंग सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊंगा। तो ये छोटी चीज भी स्मार्ट वर्क होती है कि आप वो चीज पहले कर रहे हैं, जो कि एक स्मार्ट वर्क मैंने यूज करा कि हाँ मुझे ये चीज बोर होती है तो मैं इसे पहले पढ़ लेता हूँ और जिस चीज में मुझे इंटरेस्ट आता है तो मैं बाद में पढ़ लेता हूँ।
हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, और स्मार्ट आप जितना ज्यादा होगे आप उतने ज्यादा एफिशिएंट होगे अपने लाइफ में। थर्ड है बी हैप्पी एंड कंटेंट। हैप्पीनेस काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप लाइक सक्सेस वगैरह अचीव कर लोगे, बट यू नीड टू बी कंटेंट विद इट। यू नीड टू, आपको हर छोटी चीज के बारे में खुश रहना चाहिए, लाइक जो आपके साथ चीजें हो रही है, अगर आप खुश रहोगे तो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी ज्यादा आएगी, और जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी आप उतने ज्यादा सक्सेसफुल रहोगे। तो एक साइकिल होता है, सक्सेसफुल रहोगे, हैप्पी रहोगे, हैप्पी रहोगे, पॉजिटिविटी आएगी और सक्सेसफुल रहोगे। तो आपको अपनी लाइफ में हैप्पी रहना है और कंटेंट रहना है। कंटेंट यानी आपके पास जो है आप उसमें सेटिस्फेक्शन रखिए, ये ना सोचिए कि यार मेरे पास ये मोबाइल फोन नहीं है, मेरे पास वो चीज नहीं है, ये चीज नहीं, बल्कि जो है हाँ काफी लोगों के पास ये एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, काफी लोग है जिनके पास ये सारे प्रिविलेजेस नहीं है, जिनके छत पे रहने को घर नहीं है, तो यू शुड बी कंटेंट अबाउट इट। थर्ड है कि फोर्थ है कि बी ग्रेटफुल। ग्रेटफुल यानी आपको लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करके आना चाहिए, लाइक यू शुड बी थैंकफुल टुवर्ड्स पीपल। आज मैं जब देखता हूँ लाइफ में मेरे आज ना सके पहुंचा, तो काफी सारे लोगों का काफी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, लाइक पढ़ाई में मेरे मम्मी पापा का, फैमिली का, कजिन का, टीचर्स का, आज स्कूल में हम्बर सर का, मीना मैम का, फिर आगे चल के मेरे दोस्तों का। तो हर किस इंसान से मैं कुछ चीज सीखा हो जो कि मैंने मेरे लाइफ में अडॉप्ट करी और उस चीज को आगे मैं यूज कर पाया, मेरे स्ट्रगल्स को फेस कर पाया। तो आप जब उनको थैंकफुल रहते हैं तो आपके अंदर एक भावना आती है रिस्पेक्ट की, एंड रिस्पेक्ट इज ऑल्सो एज इम्पोर्टेंट एज बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स पीपल। तो कहीं ना कहीं आपको काइंड बनाती है एंड आप एक अच्छे इंसान बनते हैं, तो ग्रेटफुल रहना चाहिए। फिफ्थ में है कि स्ट्रगल्स, लाइफ में हमेशा स्ट्रगल्स रहेंगे, तो स्ट्रगल्स और चैलेंजेस को एज अ बैरियर मत देखिए। कोई स्ट्रगल आता है कि मान लो कोई चीज में डिफिकल्टी आ गई, तो यू शुड सी आपकी मतलब क्या हो गया, अब मेरे को नहीं आ रहा है करते कैसा, बल्कि ये सोचिए कि अगर आप उस स्ट्रगल को पार करोगे तो आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। मैं जब देखता हूँ मेरे को सबसे ज्यादा स्ट्रगल होता था स्टार्टिंग में कॉलेज में जाके, एक प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह राइटिंग स्किल मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, तो अब मैं उसी चीज के ऊपर कंसर्न रहता था कि यार नहीं मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, यार मैं नहीं करूंगा ये सब। फिर मैं काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिस करता था, ना तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था कॉलेज के इंटरव्यूज में, जॉब्स वगैरह थी इसमें, बट मैंने आज उसे देखा कि एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए इम्प्रूव करने की। स्टार्टिंग में मैं काफी बार लिखता था और काफी इतना अच्छे लेवल पे नहीं लिख पाता था, बट फिर मैं क्या करता था, मैं मेरे दोस्त जिसको जिसके अच्छे राइटिंग से उसको दिखाता था कि यार बता यार इसमें मतलब और कैसे मैं इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। जब मैंने इम्प्रूवमेंट लाया तो मैंने मेरे लिए काफी सारे नए अपॉर्चुनिटीज खोले। आज इवन मैं काफी ब्लॉग्स वगैरह लिख सकता हूँ और पोस्ट वगैरह करता हूँ। तो एक जो स्ट्रगल था मेरी लाइफ में, एक राइटिंग का एक बैरियर था, वो मैंने क्रॉस करा, क्योंकि मैंने उसे देखा कि नहीं ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे अंदर और एक स्किल ऐड करने की और एक चीज सीखने की। तो सी स्ट्रगल एज अ पॉइंट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू मेक योरसेल्फ लर्न दोस थिंग एंड इम्प्रूव अपॉन। तो ये सब वैल्यूज और मेरे लाइफ के बारे में थे कि मेरे एसईआर रेजिडेंसी जर्नी कैसे रही आईआईटी के बारे में। आईआईटी आर डेफिनेटली अ गुड प्लेस टू गो टू, और वहाँ जाके मतलब अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आप उस सबको एक आईआईटी को गोल रखें कि यू नीड टू स्टडी फ्रॉम द बेस्ट प्लेस इन द इंडिया। तो यही सब था, आप सब लोगों को बेस्ट लक जो आज आईआईटी के एस्पायरेंट है, आगे चल के आप लोग काफी अच्छी सक्सेस अचीव करें, इस स्कूल को अच्छा स्कूल का नाम रोशन करें। एक दो शायरिया मैं कहना चाहूंगा जंबर सर और मीना मैम के लिए। जीवन फूलों की कहानी बाहरों ने लिखी, फूलों की कहानी बाहरों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी, फूलों की कहानी बाहरों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। हम सभी छात्र शुक्रगुजार रहेंगे जंबर सर जी आपका, जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में इस संस्था की नींव रखी, जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में इस संस्था की नींव रखी। और एक शायरी कहना चाहूंगा मैं, याद लोहा टाटा बन सकता है, जूता बाटा बन सकता है, लोहा टाटा बन सकता है, जूता बाटा बन सकता है। आदरणीय झांबर सर जी और मीना मैम के आशीर्वाद से झांबर विद्या निकेतन का हर छात्र मुकद्दर का सिकंदर बन सकता है, मुकद्दर का सिकंदर बन सकता है। तो बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर टीचर एंड work very hard for your dreams.
बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को पूछ सकते हैं, और मुझे कभी भी फील हो के अपने बड़े भैया समझते और पेरेंट्स लोग अपना भतीजा समझ के कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरे को काफी अच्छा लगेगा अगर मैं मेरे छोटे भाई बहनों को गाइड कर पाऊंगा। थैंक यू आयुष। यस आयुष, द इंफॉर्मेशन गिव यू वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड विल शो द पाथ टू अवर स्टूडेंट्स। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अवर स्कूल प्रिंसिपल अनुमा बंत्री मैम टू से सम वर्ड्स अबाउट आयुष। थैंक्स अगरकर मैम, थैंक यू आयुष खंडेलवाल, इट वॉज रियली गुड लिसनिंग टू यू आफ्टर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट अबाउट 6 years। यू हैव रिकॉल्ड ऑल द स्वीट मेमोरीज ऑफ योर स्कूल, especially the foundation batch, which was helpful to you to grow up in your life. In short, I would tell you in a nutshell, you have totally summed up the school life and brought it live to all the ex-students and to the present students. You have made them realize that yes, school is the very much foundation of your life, and if taken seriously, with discipline, with honesty, you can really do wonders in your life. As a principal of STRZVN, I'm really proud to have students like Ayush and many more whom we will be, you know, presenting to all our students as an alumni talk on every month of 25th. That we, under the banner of Srimati Tulsibai Ranglalji Jhambad Vidyaniketan and under the great guidance of our Meena ma'am, director of the school, and the founder secretary of our school, late Sri Premchandji Jhambad sir, we are really helpful that you all have brought so many laurels to our school. Not only you, but many students are in the top-notch places of India and in the international level also. So once again, I would thank Ayush for all the wonderful experiences that you shared in your journey from STRZVN to IIT. Thank you, Ayush. Now I would request our director, Meena ma'am, to address the gathering. Over to Meena ma'am. आयुष के लिए क्या बोले, आयुष को आज देखकर और सामने मेरे सामने जो ये बच्चा छोटा सा आज इतनी अच्छी जर्नी को पास आउट करके, और सिर्फ आईआईटी नहीं है, मैं आप सबको बता दूं ये बच्चा आईआईएम में सिलेक्शन हो गया है इसका। ये एक इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है जहां पर जाने का हर बच्चे का सपना होता है, और उस सपने का सपने को पूरा करने का जो श्रेय गया है आयुष को, उसके फैमिली को और उसके टीचर्स को, नो डाउट। लेकिन आयुष जैसे बच्चों को देखकर ये बात जरूर याद आती है कि ऐसे बच्चे जिनको कभी डांट भी देते थे, कभी कुछ भी बोलते थे, तो ये बच्चे कभी पलट कर जवाब नहीं देते थे, बिल्कुल आके सॉरी मैम अब इसके आगे नहीं होगा, बस यही उनका एक सेंटेंस रहता था। और इसका श्रेय मैं स्कूल को भी नहीं पूरा दूंगी, लेकिन इसका श्रेय है उस परिवार को भी जाता है जो परिवार ऐसे संस्कार दे के बच्चों को हमारे पास भेजता है। तो मैं आज इस स्टेज पर खंडेलवाल फैमिली को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसे बच्चों को उन्होंने अपने संस्कार दिए और ऐसे बच्चों हमारे हाथ में देकर और उनका भविष्य बनाने का मौका स्कूल को मिला। एंड रियली आयुष, लिसनिंग टू यू टूडे एंड विटनेसिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम व्हेन यू वेर स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट हियर टू नाउ बीइंग एन एलुमिनाई गिविंग दिस इंस्पिरेशनल टॉक टूडे, यू हैव क्लियरली सेट एन एग्जाम्पल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ STRZVN Nandura. May God bless you with success in all that you decide to do today as well as in future. Keep making your parents proud and your school and Nandura much more proud. All the best beta and keep going, great going. Thank you Meena ma'am. I'm sure your words would be really inspiring and helping Ayush to move further in his life. Now Ayush, we would move forward to the, you know, a question answer session where students would be having some doubts and would love to hear from you how they can move ahead with their difficult times. So I would request students, anyone, whoever has some queries, some questions,
टू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क अस. फर्स्ट यू कैन रेज योर हैंड सो दैट वी अंडरस्टैंड हु इज गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन. ओके, हर्षल खंडेलवाल. हर्षल खंडेलवाल प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ. सर माई क्वेश्चन वॉज वॉट आर द स्कोप्स ऑफ द इंजीनियरिंग, वॉट आर द स्कोप्स ऑफ करियर. Depends upon the fields what you are choosing for engineering. Engineering has various types of fields like chemical engineering, which was mine branch, then mechanical engineering, computer science engineering. So, of what fields you will go, you will realize that there are lab works and the companies. So, what engineering department you will be in, and then you would have various of job opportunities to handle big machines and design machines if you are in mechanical or chemical. And if you are in computer engineering, then you have the job opportunity of being software developer, making various type of applications like a Zoom meeting and mobile or computer software applications. So these are the scopes in an IIT. And you can further even go for pursuing M.Tech or MBA. Just wait for a 2 seconds, I have some issues. Next question. You can go for M.Tech and MBA, like I am going forward with MBA. So there are various types of opportunities. Just a thing that you can identify if you want to go for engineering, that you are good in maths and science, like physics, chemistry and mathematics. If you are good in it then and talented in it, then you should go, definitely go for IITs and engineering institutes. Thanks, sir. My name is Tushar. Now I am in a 9th class. I wanted to ask you one question, that what are the exams that we have to crack to get admission in IIT? Hi Tushar. So to get into IITs, there are two stages. First is cracking JEE Mains. JEE Mains is an entrance exam for IITs. But even to get into IIT and to be eligible to appear for JEE Advanced, you need to crack a JEE Main. So when you crack JEE Main and your rank is under 2 lakh something, then you get to become eligible to give JEE Advanced. And JEE Advanced is entrance exam for IITs and some other national level institute. So your focus should be on mainly these two exams, JEE Main and JEE Advanced. Apart from that, if you want to get into admission into IITs, there are some other eligible criteria about your 12%. As far as I remember during my time, it was like getting above 75% in maths and science. And if you have that, then you can get in admission into IIT. So, mainly two exams, JEE Mains is the first stage and JEE Advanced is the second stage. Thank you, sir. I am very grateful to come you here and guide the all students. Thank you, sir. Gaurav Thavrani has raised his hand. So, Gaurav, you can unmute yourself and ask your question. Sir, my question is, how SPR's Adrian helped you in molding your personality to grow successfully? As I told you, I had this strong foundation to building a great achievement in my life. So, SPR's Adrian has taught me the values of discipline, being obedient, hardworking, and, you know, providing me the quality education of foundation. As I said, how much difference has foundation has made into preparation for IITs. So I believe overall, giving me the proper values that are important for one to become successful in life and giving me the quality of education of foundation. These two have literally helped me a lot in preparing for IIT and then for life. It has prepared me for my whole journey ahead also. Thank you, sir. Kalpak Chaudhary, you can unmute yourself and go ahead with your question. What qualities a person is likely to have for this career? Okay, so as I said, the qualities being proactive, then being knowing the importance of hard work and smart work, being honest. And these three qualities, I think, is important, and along with that, be confident about what you want to pursue. Okay.
Gauri Narkede, unmute yourself. And you have to keep your phone, Gauri. Gauri. Sir, I want to ask that there are how many branches in engineering, and which branch will which branch is likely to have more scope in future? Very good question. As you know, there are various opportunities in the engineering itself, like computer engineering, electrical. So I will list out some of the important branches that are in importance now and will be in the future. So some of them are computer science engineering. If you are a geek about technicals like how computer works and how a mobile works, how mobile application works, then for you it's computer engineering. Second is electronics and electrical. These both are along the similar lines. You might have seen there are big transformers around your house that provide you electricity. So if you want to pursue this thing, making microchips for mobile, you might have heard the memory card and all those things. So for that, electrical and electronics engineering is for you. In third is mechanical engineering, and along with that, mechatronics. It's somewhat a mixture of mechanical and electronics. You might have seen there people are now quite skeptic about robotics. So if you want to pursue something in robotics, then you have to be with mechanical engineering and electronic engineering. Then chemical engineering, as you know, during the COVID times, you might have used hand sanitizers and this mask, making polythenes, making soap, detergents, and even handling food packaging. All those stuff comes under chemical engineering. Then aeronautics is one field, aerospace engineering, aeroponics engineering. If you want to make rockets and aeroplanes, then you can go for aeronautics engineering. What I believe is that from a future perspective, what would be the important is computer science. Might have heard about machine learning, data analytics, and artificial intelligence. How you can just call a Google, Siri, or Alexa just from one thing and ask her about anything, and it will provide you the results. So these are all the magic. These magics are all result of computer science engineering. So it's one of the best engineering field from future perspective out there. Try to give yourself admission into computer science engineering, machine learning, or data science. There is a one question from our students, Ayush. 4 or 5 students want to know the answer of this question. One student is there. Okay, Gayatri. How can one score higher in maths and for competitives? How to score higher in maths? I have interest in science more than math. How to study for math for more grades? I want to know that how to score in the math subject. She has the interest in science, but how to score highest in the maths? Okay. Very good question. I was interested in mathematics. Very much. So treat maths as a puzzle. आप लोग देखते होंगे puzzles आते होंगे या कुछ ऐसे कि उसको solve करने के लिए कोई छोटी सी चीज रखती है. तो maths को आप एक game की तरह treat करें कि ये question में like ratios वगैरह का question है या फिर कोई एक algebra का question है finding roots of. तो एक उसको game की तरह लीजिए कि उसका answer कैसे ढूंढना है. आप अपने concepts clear रखिए. There are too many solved examples and follow the teacher's instruction. Follow the complete procedure properly. Maths is a very scoring subject. You just need to follow a particular method and it will definitely yield you those answers, the proper answer for that. So know about those methods, how to solve a particular question. First identify ki wo question mein kya dhoondna hai. Aur us question ko dhoondne ke liye phir kya procedure rehti hai. To wo procedure aapko jaise dekhte hoge ki given likha hota hai. कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, डेटा दी जाते हैं, तो पहले सब गिवन लिखिए, फिर देखिए कि आपको क्या ढूंढना है, फिर आप उस इन्फॉर्मेशन का थोड़ा थोड़ा सा देखिए कि इस इन्फॉर्मेशन का हम कैसे यूज करके कैसे ये लाइक पहुंच सकते हैं. मैथ्स इज जस्ट लाइक अ रास्ता. लाइक आपको अभी मैं पूछू की आपको यहाँ से मुंबई जाना है, तो आप देखोगे की आपको यहाँ से मलकापुर जाना होगा, फिर मलकापुर से आगे इगतपुरी, इगतपुरी से मुंबई. तो मैच भी ऐसे ही होता है, रास्ता ढूंढना पड़ता है और वो रास्ता रहता है आपका प्रोसीजर. आप एक प्रोसीजर जो दिया है आपको, जो फॉर्मूले है उसमें वो इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड है उसको
फिल अप करते जाइए, उनको ट्राई करिए, उनके साथ थोड़ा गेम की तरह खेलिए और एट द एंड आपको आंसर मिल जाएगा। Sir, I want to ask one more question, please. If I like science, what stream should I choose for science? Okay, so if you like science, what should you choose? So difference between science and engineering mainly comes of theory perspective and application perspective. If you are interested about knowing more and finding वो पर्टिकुलर थ्योरी वर्क्स, लाइक आपको कोई थ्योरी दी है तो आपको उसका एप्लीकेशन के जगह अगर आप इच्छा रखते हैं कि कैसे काम कर रहा है, मतलब लाइक ये क्यों हो रहा है, व्हाई एंड हाउ क्वेश्चंस, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर साइंस। एंड साइंस में अपॉर्चुनिटीज रहती है बीइंग अ साइंटिस्ट एंड यू नो बीइंग पर्टिकुलर गुड इन फाइंडिंग रिसर्च थ्योरीज एंड ऑल दो स्टफ, तो साइंस के लिए अपॉर्चुनिटीज होती है। बाकी अगर आप मैथ इंजीनियरिंग को देखें तो इफ यू आर इंटरेस्टेड अबाउट कि हाँ इस चीज को हम कैसे यूज करेंगे, लाइक ए फॉर्मूला, इसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, तो यू शुड गो फॉर इंजीनियरिंग। ये डिफरेंस होता है। और साइंस, जैसे मैंने आपको बताया, अपॉर्चुनिटीज है साइंटिस्ट बनना, रिसर्च थ्योरीज वगैरह लिखना, डिस्कवरीज करना काफी नई नई चीजों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अवर स्टूडेंट कार्तिक पाटिल। Sir, I want to ask you that how to study for competitive exam, because they are a bit different from the theory ones, and you had cracked JEE, JEE mains and many other exams. So I want to ask you how to prepare for these exams. How to prepare for competitive exam? Ma'am, can you repeat the question a bit loud? Prepare for competitive exam. UPSC, MPSC. UPSC and MPSC. Okay. So UPSC is as of now. I don't think so. If you have a goal, keep it like that. But as of now, I think your focus should be on your graduation as of now. Like you're doing LM 12th and then getting a bachelor's degree in something, and after that UPSC. So if you are interested about cracking competitive exam of UPSC, MPSC, then it's important to have knowledge about various stuff. Like what's going on, political situation in country, who a complete independence history of India, ki Gandhi ji ne kya kya tha, Nehru ji ne kya kya tha, kaun si policies chal rahi hai, ये सब चीजों के बारे में। उसके बाद की मुगलों के वक्त क्या था, तो यूपीएससी काफी वास्ट स्ट्रीम है, उसमें आपको काफी ज्यादा नॉलेज लगती है कंट्री के बारे में और उस कंट्री की पूरी हिस्ट्री, पॉलिटिकल सिचुएशन, कल्चरल, यहाँ तक कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट की कौन सी लैंग्वेज है और वहाँ के लोगों का क्या कल्चर है। तो जैसे कि आप जानते हैं यूपीएससी प्रिपेयर्ड टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर एंड आईपीएस ऑफिसर, एंड फॉर दैट यू नीड टू सर्व अ कंट्री, सो नो अबाउट योर कंट्री इन from a social, political and historical perspective. ऐसे आप और hard work definitely एक चीज है, अगर आप उस चीज को देख रहे हो तो आप inspiration लो, जिन्होंने वो exams crack किए, आप उनको उनकी study methods के बारे में जानो, उन्होंने कैसे preparation की, उनसे सीखो, उनका guidance लो और ये चीज करते रहो। बाकी अगर आप अभी 9th, 10th में हो, 11th, 12th में हो, तो न्यूज पढ़ते रहो काफी ज्यादा, हर एक न्यूज पेपर डेली आप पढ़ने का आपका प्लान बना लो और काफी सारी हिस्ट्री के बारे में तो आपको यूपीएससी एमपीएससी के लिए हेल्प मिलेगी। रिद्धि राठी। यस, माय क्वेश्चन वाज, व्हिच इज द मोस्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट दैट यू हैव फेस्ड इन योर लाइफ? मोस्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट दैट आई फेस्ड इन माय लाइफ, आई वुड से इट वाज, यू नो, being successful in so much competition. तो होता ये था कि आप जब देखते हो कि आपके साथ इतने सारे लोग prepare कर रहे हैं, तो काफी challenging, वो एक under confidence आता था कि like क्या मैं successful हो पाऊंगा, तो under confidence को overcome करके confident बनना, ये मेरे लिए काफी challenging project ये था, कि मैंने confidence gain करा, I trusted myself कि नहीं मुझे ये चीज करनी है और मैंने उसके लिए hard work करता रहा, तो आई थिंक कि चैलेंजिंग सबसे ज्यादा मेरे लिए यही रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेरी फ्रॉम मोहित धोटे। हेलो सर, माय नेम इज मोहित, आई एम फ्रॉम क्लास 10। सर, आई वांट टू नो दैट व्हाट थिंग्स आई शुड अवॉइड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जाम, और हाउ कैन वी अवॉइड सिली मिस्टेक्स इन एग्जाम,
which can lead us to lose marks. Can you repeat, beta, your question? Mohit, speak a little louder. What things I should avoid during preparation of any exam, and how to avoid silly mistakes in exam to not use. आपके पास दो डिवाइस ऑन है क्या? Ask him to type the question. आपके रूम में दो डिवाइस ऑन है क्या? तो एक डिवाइस को ऑफ करो. आपका जो आवाज है ना इको कर रहा है बेटा. Next question from Pratibha Vankhade. Yes, sir. Rutuja Vankhade, unmute yourself, please. Okay, let's move further. Next question from Gauri Thakre. Gauri Thakre. Yes. My question is that how to prepare for an engineering interview? Engineering interviews. Actually, engineering don't have interviews. Aapke engineering college mein jaane ke baad internship aur jobs ke interview hote hain. If you want to get selected for admission into any engineering college, you just have to crack exams and score good marks in those exams, and it will ensure that you get admission into those colleges. Engineering interviews are not there in India. That is the Mohit. What is questions? How to work on silly mistakes? How to work on silly mistakes? Okay, so silly mistakes was something I was also troubling for me. मैं भी काफी ज़्यादा silly mistake करता था स्टार्टिंग में, बट फिर मैंने देखा कि सिली मिस्टेक्स ही होते हैं. तो होता है जनरली यू है जब आप रश करते हैं किसी आंसर को, क्वेश्चन का आंसर करने में, तो यू मिस आउट ऑन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या आप पेशेंट से रीडिंग नहीं करते. तो मैथ्स में जनरली काफी ज्यादा सिली मिस्टेक होती है क्योंकि आप कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़ देते या फिर क्वेश्चन आंसर नहीं करते. तो टेक योर प्रॉपर टाइम, आप अच्छा सा टाइम ले, क्योंकि कोई भी एग्जाम में आई डोंट थिंक कोई एग्जाम पास होती है, सब में काफी ज्यादा टाइम रहता है. सीबीएसई की 9-10 की एग्जाम हो, फाउंडेशन की एग्जाम हो, या जो एडवांस हो, जेई मेंस हो, तो एंश्योर करो कि आप अगर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और एक प्रॉपर पेज पे प्रोसीजर के साथ लिखते रहो, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप. अगर आप आपके प्रैक्टिस के, जब आप मैथ्स प्रैक्टिस करते हो, साइंस फिजिक्स प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस में अगर आप सिली मिस्टेक नहीं कर रहे हो तो आई एम श्योर कि आपके पेपर में भी नहीं होगा. तो एक पेशेंस के साथ पढ़ो क्वेश्चन को, आराम से पूरे पेपर पे प्रोसीजर्स लिखते जाओ, और अगर आपके पास टाइम है तो उसको रीचेक करो कि आपने कोई सिली मिस्टेक तो नहीं किया. ऐसे आप सिली मिस्टेक अवॉइड कर सकते हैं. मुझे काफी हेल्पफुल रहा था ये करना. थैंक यू सर. लक्ष रामचंदानी, यू कैन प्रोसीड विद योर क्वेश्चन. गुड इवनिंग सर. मेरा क्वेश्चन है, फाउंडेशन के अलावा हमें और कौन सी तैयारी करनी चाहिए आईआईटी के लिए? गुड इवनिंग लक्ष्य. आई बिलीव दैट इफ यू आर इन 9th or 10th, देन फाउंडेशन इज सफिशिएंट. जस्ट फॉलो योर टीचर्स हाउ दे आर गाइडिंग यू. आई हैव डन द सेम थिंग. आई हैव ट्राइड टू जस्ट एक्सेल इन व्हाट आई हैव बीन इन द एग्जाम्स दैट आई हैव टू गिव. So just try to focus on your study and what your teachers are guiding. They probably have a knowledge about everything, knowledge about you and the areas you need to improve. So just follow their instruction, take guidance from them and focus on this foundation. There is no, I don't think there is some additional need to prepare for IIT here in 9th or 10th. Atif Raza, you can ask your question. What is your study time? Atif, speak loudly. Ask them to so I can answer them from their perspective. Last study, he want to know about the study timetable. We should follow. So I was very studious because I knew that preparing for IIT I need to work very hard.
So it's like, as I said, from 8 to 6 I would be in the school and I really enjoyed it. If you are if you have set some goals and targets for you, then enjoy that routine. So I used to be in the school for 8 to 6 o'clock. In free time, I would try to complete my school homework of other subject and information. I would try to learn the extra things taught us in that. And then after coming to home, I would spend some time on playing with my cousins and then spending some time. And from again 7 to 9 o'clock, I will get for study and study about subjects that I want to improve upon, like maths and science. And after that, I would sleep at 10:30 and around something. Thank you so much, Ayush. Thank you, and best of luck for your future endeavors. Thank you. Thank you so much for such a great information about the IIT field. On behalf of Shri Vardhaman Jain Educational Multipurpose and Research Foundation family, to succeed this webinar, I thank to people who directly and indirectly support. I thank to respected parents who gave their valuable time. I mostly thank to our school director, Meenaji Zambad Madam, for arranging educational webinar to motivate our students. Thank you so much, everyone. Thanks a lot.